फल और ये मौसम हसी, हमें डर है हम खो न जाए कहीं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिसे आप बखूबी जानते हैं, ट्रेजेडी किंग के नाम से मशहूर एक ऐसा कलाकार जिसको फॉलो करके कई एक्टर्स ने अपना मकाम हासिल किया। जी हाँ, वो शख्सियत है मोहम्मद यूसुफ सरवर खान, जिन्हें आप सुपरस्टार दिलीप कुमार के नाम से भी जानते हैं। पेशावर शहर के रहने वाले गुलाम सरवर खान के सबसे छोटे बेटे यूसुफ खान यानी दिलीप कुमार, जिनका पूरा परिवार भले ही फलों के बिजनेस से जुड़ा रहा, लेकिन दिलीप कुमार की निगाह में उनकी मंजिल इससे बिल्कुल जुदा थी। अपनी मंजिल को पाने के इरादे से दिलीप कुमार के कदम नासिक से पुणे और फिर मुंबई तक बढ़े और आखिरकार मुंबई में आकर ठहर गए और आज तक ठहरे हुए हैं। एक्टिंग में अपने कदम जमाने की बेताबी ने 1944 में बॉम्बे टॉकीज के बैनर तले बनने वाली फिल्म ज्वार भाटा ने दिलीप कुमार के बॉलीवुड के लिए दरवाजे खोल दिए। ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं कर पाई, लेकिन दिलीप साहब की अगली फिल्म जुगनू की चमक ने दिलीप साहब के करियर को काफी चमका दिया। दिलीप कुमार की डायलॉग डिलीवरी लोगों को भाने लगी। ठीक कहते हो, तुम्हारा वक्त बहुत कीमती है। जो चीज इंसान के पास कम होती है वो कीमती होती है, और वक्त तुम्हारे पास कम है। जेके वर्मा, मेला, शहीद, अंदाज, आन, देवदास, नया दौर, मधुमति, यहूदी, मुगले आजम और ऐसी ही कई फिल्मों में दिलीप कुमार ने निभाए तमाम किरदारों को आज भी लोग चाहकर भी भुला नहीं सकते। गंगा जमुना, लीडर तथा राम और श्याम जैसी फिल्मों के सलोने नायक दिलीप कुमार स्वतंत्र भारत के पहले दो दशकों में लाखों युवा दर्शकों के दिलों की धड़कन बन गए। हर जवान सड़कों, गलियों और थिएटर में दिलीप साहब की ही कॉपी करने लगा। दिलीप कुमार प्रतिष्ठित फिल्म निर्माण संस्था बॉम्बे टॉकीज की उपज है, जहां देविका रानी ने उन्हें नाम और काम दोनों दिए। इसी बॉम्बे टॉकीज से यूसुफ खान सुपरस्टार दिलीप कुमार बन गए। ये वो मकाम है जहां से उन्होंने अभिनय के सारे दांव पेंच सीखे। अशोक कुमार और शशधर मुखर्जी ने फिल्मिस्तान की फिल्मों में लेकर दिलीप कुमार के करियर को सही दिशा में आगे बढ़ाया। आगे चलकर नौशाद, विमल रॉय, के आसिफ तथा दक्षिण के एस वासन ने दिलीप की प्रतिभा को क्लासिक फिल्मों के जरिए पेश किया। 25 साल की उम्र में दिलीप कुमार देश के नंबर वन अभिनेता का मुकाम हासिल कर चुके थे। उसी दौरान राज कपूर और देवानंद ने भी दस्तक दे दी थी और दिलीप, राज, देव की प्रसिद्ध त्रिमूर्ति सामने आई। दिलीप कुमार और मधुबाला की ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री खूब चली। जाहिर था कि इन दोनों के बीच में कुछ पक जरूर रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से मधुबाला से अलग होने के बाद उम्र के 44वें साल तक दिलीप कुमार ने शादी नहीं की। लेकिन बाद में उन्होंने कश्मीर की कली कही जाने वाली सायरा बानो से शादी कर ली। उस समय तक भारतीय उपमहाद्वीप के करोड़ों लोग पर्दे पर उनकी चमत्कारी अभिनय कला का लुत्फ ले चुके थे। फिर कुछ समय बाद राजेश खन्ना आए और सुपरस्टार बन गए, लेकिन दिलीप कुमार का दबदबा फिर भी कायम रहा। एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन भी दिलीप कुमार के मकाम को हिला नहीं सके। फिल्म शक्ति उसकी एक जिंदा मिसाल है। दिलीप कुमार ने अभिनय के माध्यम से राष्ट्र की जो सेवा की, उसके लिए भारत सरकार ने उन्हें 1991 में पद्म भूषण की उपाधि से नवाजा था और 1995 में भारतीय सिनेमा के सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान दादा साहेब फाल्के अवार्ड भी प्रदान किया। पाकिस्तान सरकार ने उन्हें 1997 में निशाने इम्तियाज से नवाजा था, जो पाकिस्तान का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। अपने जीवन काल में दिलीप कुमार कुल 8 बार फिल्म फेयर से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार पा चुके हैं और ये एक कीर्तिमान है जिसे अब तक किसी ने भी नहीं तोड़ा है। अंतिम बार उन्हें 1982 में फिल्म शक्ति के लिए ये इनाम दिया गया था, जबकि फिल्म फेयर ने ही उन्हें 1993 में राज कपूर की स्मृति में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया। फिल्म फेयर ने जिन 6 अन्य फिल्मों के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार उन्हें दिया, वे है 1955 की आजाद, 1956 की देवदास, 1957 की नया दौर, 1960 की कोहिनूर, 1964 की लीडर तथा 1967 की राम और श्याम। 1997 में उन्हें भारतीय सिनेमा के बहुमूल्य योगदान के लिए एनटी रामाराव अवार्ड भी दिया गया, जबकि 1998 में समाज कल्याण के क्षेत्र में योगदान के लिए रामनाथ गोयंका अवार्ड भी दिया गया। अब ऐसे कामयाब शख्सियत की बायोग्राफी ना लिखी जाए तो ये नाइंसाफी होगी, और शायद यही सोचकर दिलीप कुमार के करीबी पारिवारिक मित्र उदय तारा नायर ने सब्सटेंस एंड शैडो के नाम से इस किताब को लिखा है। इसमें उनके लाहौर में गुजारे गए बचपन, करियर
जीवन के उतार चढ़ाव, परिवार के अलावा जीवन के बहुत से पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की गई। अमिताभ बच्चन और आमिर खान ने एक 5 सितारा होटल में भारतीय सिनेमा के महान कलाकार दिलीप कुमार के जीवन पर आधारित किताब का लोकार्पण किया। इस मौके पर दिलीप कुमार की जीवन साथी सायरा बानो ने कहा कि ये शाम उनके लिए खास है और वो उम्मीद करती हैं कि दिलीप कुमार की जीवनी काफी लोगों को पसंद आएगी। I'm feeling great on top of the world. This is a dream come true for me. साथ ही इस मौके पर आमिर खान ने भी प्रसून जोशी की लिखी कविता पढ़ी। गुजारिश है हवाओं की हमें सूरत से मिलवाओ, गुजारिश है हवाओं की हमें सूरत से मिलवाओ, हमें भी रोशनी के काफिलों के साथ ले जाओ। लेकिन हमें मालूम है अपनी हदें, हम कैसे कुछ बोलें, खिली हो धूप तो नाचीज दीपक कैसे मुंह खोले। मगर मौसम की जिद है, फूल भी इसरार करते हैं, उन्हें मिलना है सूरज से, वो उसको प्यार करते हैं। चलो करते हैं कोशिश, आज उसका जिक्र करते हैं, उजालों के समुंदर में जरा सा हम उतरते हैं। कई अभिनेताओं ने दिलीप कुमार के साथ अपने अनुभवों को साझा किया। दिलीप साहब हैज बीन अ लेजेंड एंड टुडे देयर इज अ बुक अबाउट हिज लाइफ एंड हिज टाइम्स एंड हाउ ही डेल्ट विद हिज रोल्स एंड आई एम वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड द बुक। आई थिंक माय फॉन्डेस्ट मेमोरी ऑफ दिलीप साहब हैज बीन जब उनके घर पे मैं उनके साथ बैठी हूँ और वो अपनी फिल्मों के और अपनी फिल्मों में काम करते हुए दिनों के बारे में मुझे बता रहे थे। आई थिंक दैट हैज बीन वन ऑफ माय फॉन्डेस्ट मेमोरीज। My father and him were very close. He was my father's hero, and so he's a bigger hero for me. On my most important days, he was there. He was there for the premiere of my first film. He was there for my wedding. So I think for me, him being there for all the important functions for me, and I'm here to be part of this function means a lot. समारोह की मेजबानी फिल्मकार करण जौहर ने की। समारोह में जितेंद्र, वैजयंती माला, जीनत अमान, डैनी, जावेद अख्तर, सलीम खान, धर्मेंद्र, माधुरी दीक्षित, प्रियंका चोपड़ा, सुभाष घाई, राजू हिरानी, संजय लीला भंसाली, रितेश देशमुख और किरण राव समेत बॉलीवुड की कई हस्तियां मौजूद थी। दिलीप साहब एक्टिंग की एक पाठशाला है। उनकी जिंदगी पर लिखी गई ये किताब इस जनरेशन के साथ आने वाली कई पीढ़ियों को इंस्पायर करती रहेगी। MS एंटरटेनमेंट मुंबई। शत्रुघ्न सिन्हा जो अपने नाम से ज्यादा इस डायलॉग से पहचाने जाते हैं, ये वही शत्रुघ्न सिन्हा है जो पहले बतौर एक्टर और फिर एक दमदार पॉलिटिशियन के तौर पर पहचाने गए। लोकसभा चुनाव 2014 में भी शत्रुघ्न सिन्हा ने जबरदस्त जीत हासिल की। इस अभिनेता और नेता की जीत का जश्न मनाने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर प्रहलाद नीलानी ने एक पार्टी ऑर्गेनाइज की। आज ये जीत और त्योहार में आज हमारे प्रहलाद नीलानी हमारे दोस्त हैं, आशीष दास जी दोस्त, आइए प्रहलाद जी इधर आइए। ये इन लोगों ने और पवन कुमार जी ने, हमारे बड़े भाई डॉक्टर लखन सिन्हा ने और तमाम मित्रों ने मिलकर ये जश्न और त्योहार की घड़ी मनाने का सोचा है और आज मुझे निमंत्रण दिया गया। आज ये निमंत्रण मेरे तरफ से नहीं है, पवन जी देखिए साथ हैं हमारे और योगी जी भी साथ हैं जो मुझे लगता है हिल चुके हैं, लेकिन कोई बात नहीं, ये शॉटगन को फैलिसिटेट करने के लिए ऑर्गेनाइज की गई इस पार्टी में खुद प्रहलाद नीलानी और शत्रुघ्न सिन्हा तो मौजूद थे ही, साथ ही उनकी खुशियों में शामिल हुए प्रोड्यूसर राकेश रोशन, सुनील शेट्टी, अनूप जलोटा, रमेश सिप्पी, जावेद अख्तर और शबानाज भी। आपको बता दें कि शत्रुघ्न सिन्हा बीजेपी के टिकट से कई बार एमपी रह चुके हैं। शत्रुघ्न अपनी दमदार आवाज की वजह से पिछले कई चुनाव में बीजेपी के स्टार प्रचारक भी रह चुके हैं। बिहार में पैदा हुए इस बिहारी बाबू ने इस बार बिहार से एक रिकॉर्ड जीत दर्ज की। शत्रुघ्न सिन्हा चाहते हैं कि उनकी इस जीत का सिलसिला आगे भी जारी रहे। उन्होंने वादा किया कि वो अपने चुनाव क्षेत्र से नदारद रहने की जनता की शिकायत को जल्द दूर करेंगे। MS एंटरटेनमेंट मुंबई। ट्रांसफॉर्मर्स एज ऑफ एक्सटिंक्शन, ये नाम है हॉलीवुड की आने वाली फिल्म ट्रांसफॉर्मर का, जिसका इंतजार पूरी दुनिया में किया जा रहा है और ये फिल्म 27 जून को रिलीज होगी। ये एक फिक्शन साइंस मूवी है। इस फिल्म का इंतजार बॉलीवुड में भी कई स्टार्स कर रहे हैं। इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग मुंबई में रखी गई, जहाँ पर
बहुत सारे स्टार ने पहुंचकर फिल्म का लुत्फ उठाया। इस मौके पर मौजूद रणविजय ने बताया कि वो मार्क वॉलबर्ग के बहुत बड़े फैन हैं और ट्रांसफॉर्मर उनकी एक बड़ी फिल्मों में से एक है। एक्चुअली आई आल्सो लाइक मार्क वॉलबर्ग, ही इज नॉट जस्ट एज एन एक्टर बट इवन ही प्रोड्यूसेस गुड स्टफ, ही इज एन एंटराज, द फिल्म फाइटर एंड लोन सर्वाइवर, ही इज नाउ डूइंग रियली गुड वर्क, सो आई एम एक्साइटेड दैट ट्रांसफॉर्मर्स दैट्स ऑलरेडी सच अ बिग नेम एंड नाउ यू हैव मार्क वॉलबर्ग पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मर्स, इट विल बी इंटरेस्टिंग। इतना ही नहीं, रणविजय ने यह बताया कि इनकी दिली ख्वाहिश और ख्वाब है कि वो हॉलीवुड में काम करें। हॉलीवुड में काम करने का मौका मिला तो आप करेंगे? जरूर करेंगे। कौन से एक्टर में आप काम करना चाहेंगे? सब एक्टर्स के साथ, वहाँ पर काम अच्छा हो तो बाकियों का फर्क नहीं पड़ता, अपना काम अच्छा हो तो वो करना। इसके अलावा रणविजय ने अपने प्रोजेक्ट के बारे में भी बात की। एक फिल्म की है मैंने 3AM और उसका रोडीज 12 होगा और मेरा एक खुद का प्रोडक्शन है रणविजय रन, वो भी MTV पे पहला सीजन हो चुका है, दूसरा सीजन तो कर रहे हैं अभी। खैर, फिल्म को देखकर जितने सेलेब्स भी बाहर निकले उन सभी ने फिल्म ट्रांसफॉर्मर की जमकर तारीफ की और इस फिल्म के ट्रेलर को YouTube पर भी काफी पसंद किया गया है। Where is Optimus Prime? You know, we got a rule about messing with people from Texas. टेक्नोलॉजी के लिहाज से ये फिल्म काफी साउंड है और इसमें एक अलग तरीके का स्पेशल इफेक्ट दिया गया है जो कि अब तक किसी भी हॉलीवुड फिल्म में देखने को नहीं मिला है। MS Entertainment, मुंबई। We don't need you anymore. You should never come after my family. साजिद की कॉमेडी पैक्ड फिल्म हम शकल्स रिलीज होने के बाद ऑडियंस को काफी पसंद आ रही है। फिल्म ने दो दिन में करीब 25 करोड़ का बिजनेस किया है और फिल्म का बिजनेस आगे भी जारी है। ऑडियंस के रिस्पांस और उससे मिली कामयाबी के बाद मुंबई में हम शकल्स की सक्सेस पार्टी रखी गई जिसमें कई सेलेब्स ने शिरकत की। इस पार्टी में फिल्म डायरेक्टर साजिद खान, प्रोड्यूसर वासु भगनानी, ईशा गुप्ता, राम कपूर और रितेश देशमुख नजर आए। इस मौके पर वासु भगनानी ने एक बार फिर बिपाशा बासु के बारे में सफाई दी। तो बिपाशा का रोल बहुत अच्छा है पिक्चर में, ये थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया बिटवीन एक्टर एंड प्रोडक्शन कंपनी कि उनको लग रहा है शायद मैंने ये पिक्चर साइन की थी, शायद बहुत डिफरेंट रोल सोचा होगा, इमेजिन किया होगा। बाद में पिक्चर देखने बाद लगा होगा मैं इतनी बड़ी एक्ट्रेस हूँ, मेरा और थोड़ा बड़ा रोल होता तो बेटर होता है। उसका पर्सनल है, एक इमोशन का चक्कर है, ये हमारे इंडस्ट्री में इमोशन ज़्यादा होता नहीं। पिक्चर हमारी खत्म होगी, दूसरी पिक्चर में हम सब भी काम करेंगे और वो भी हमारे साथ करेंगे। भगनानी के मुताबिक बिपाशा का रोल छोटा जरूर था लेकिन दमदार है। खैर, इस सक्सेस पार्टी से बिपाशा नदारद रही। बहरहाल, जिस तरह से फिल्म बिजनेस कर रही है उससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म जल्द ही 100 करोड़ के आंकड़े को छू लेगी। MS Entertainment, मुंबई। बॉलीवुड की हर छोटी बड़ी चटपटी खबर, गॉसिप्स, इवेंट्स, प्रमोशंस या फिर रंगीन लेट नाइट पार्टीज, सेलिब्रिटीज के दिलों के राज और उनकी रियल लव स्टोरीज, ये सब कुछ बॉलीवुड दिस वीक में। जल्द ही आपको एक ऐतिहासिक टेलीसोप युद्ध सोनी टेलीविजन पर देखने को मिलेगा, लेकिन हम इसे ऐतिहासिक क्यों कह रहे हैं इसके पीछे एक बड़ी वजह है। दरअसल बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन अपने कैरियर में पहली बार टीवी सीरियल में कदम रखने जा रहे हैं। कई वर्षों से मैं सोचा था कि फिल्मों में काम कर लिया, एक रियलिटी शो में काम कर लिया, लेकिन अभी तक टीवी सीरियल नहीं किया था। तो एक जब अवसर आया कि इस तरह की एक पटकथा बनाई जाए, और ये हमने अपनी जो एक धारणा थी ये हमने सोनी टीवी के साथ शेयर की, सोनी टीवी को बहुत पसंद आई और इस तरह ये हमारी एक टीम बन गई और हम आज यहाँ पर उपस्थित हैं। बिग बी ने न जाने कितने हिट फिल्में दी, लाइव शो और रियलिटी शो किए, लेकिन टीवी सीरियल में पहली बार दस्तक दे रहे हैं वो भी युद्ध के जरिए। कुछ ज्ञान दर्शन इनका, इनका जो पेट नेम है वो है युद्ध, जो कि सीरियल का अब शीर्षक हो गया है। पूरा नाम इनका युधिष्ठिर है
और ये एक, जैसा कि आपने देखा, एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हैं। 10,000 लोग इनके साथ काम करते हैं। तो युद्ध के जीवन में भी और उसकी कंपनी के जीवन में भी एक कंपटीशन है जिसके साथ उसे जूझना पड़ता है। साथ साथ युद्ध के जीवन में एक पारिवारिक समस्या है, उसके साथ भी इसे जूझना पड़ता है। जैसा कि इस टीवी सीरियल के नाम से लग रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सीरियल अपने नाम के मुताबिक किसी राजा महाराजा की सल्तनत और उनके युद्ध की कहानी नहीं है, बल्कि ये एक युधिष्ठिर नाम के बिजनेसमैन की कहानी है जो बिजनेस और साथ अपनी पारिवारिक जिंदगी के मसलों से हर मोड़ पर लड़ता चला आ रहा है। और इस सीरियल के क्रिएटिव डायरेक्टर अनुराग कश्यप है, जबकि कंसल्टेंट के तौर पर सुजीत सरकार काम कर रहे हैं। अगले महीने ये सीरियल सोनी टेलीविजन पर ऑन एयर हो जाएगा। जाहिर है बिग बी ने जिंदगी के हर कदम पर कामयाबी हासिल की है और ये यकीन है बिग बी डेली सोप में भी बिग बी ही बनकर रहेंगे। एमएस एंटरटेनमेंट, मुंबई। कई नौजवान जो कि फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ने की ख्वाहिश तो रखते हैं, लेकिन वो कई चीजों से वाकिफ नहीं होते, साथ ही वो एक्टिंग की कुछ बारीकियों को भी समझ नहीं पाते। तो अगर आपको एक्टिंग में स्मार्ट बनना है तो टिस्का चोपड़ा की किताब एक्टिंग स्मार्ट जरूर पढ़िए। जी हाँ, टिस्का ने एक्टिंग के सब्जेक्ट को लेकर एक किताब लिखी है जिसका टाइटल है एक्टिंग स्मार्ट। मुंबई में इस बुक की सक्सेस पार्टी रखी गई जिसमें टिस्का चोपड़ा, बोमन ईरानी, मानव, श्वेता और कविता कौशिक मौजूद थी। आपको बता दें कि अगर आप अभिनेता नहीं भी बनना चाहते तो भी ये किताब पढ़कर आपको फायदा जरूर होगा, क्योंकि ये किताब कई एक्टर्स के प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पर लिखी गई है, जिसमें इस बात को एम्फेसिस किया गया है कि एक आम इंसान जिसको एक्टिंग के बारे में कुछ भी नहीं पता होता, फिर भी वो अपने आप को किस तरह से डेवलप करता है और बाद में चलकर एक बड़ा स्टार बन जाता है। एमएस एंटरटेनमेंट, मुंबई। आई एम आयशा। गुरु, इतना सड़ू बन के क्यों बोल रहे हो? अरे, जैसे सुपरमैन के कॉस्ट्यूम में लाल चड्डी पहनना कंपलसरी है, वैसे ही तुम गैंगस्टर्स का ये सड़ू लुक कंपलसरी है क्या? फिल्म के प्रमोशन का नया नया फंडा, किसी ब्रांड के साथ एसोसिएशन। लॉमैन PG3 जो कि दुनिया की एक मशहूर कंपनी है और वो कई फील्ड में बिजनेस करती है, जिसके साथ एक विलेन फिल्म का एसोसिएशन है। इसीलिए फिल्म के स्टार सिद्धार्थ पहुंच गए दादर लॉमैन PG3 के स्टोर में, जहां पर सिद्धार्थ ने डांस और फन किया। सिद्धार्थ ने बताया कि हर शेड में काम करने का एक अलग एक्सपीरियंस है और खासकर एक्शन से रोमांस में स्विच करना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन मजेदार है। Villain, of course, as I said, I think it's so much new for me. You know, I've never played a negative shade. I've only done 2 other films before that, which have been so positive. And I think people didn't expect, or rather, they don't perceive me playing this kind of shade. And so it's exciting. It's exciting to go out of the box. It's exciting to push the limits and show them that I can also play the shade. आपको बता दें कि फिल्म एक विलेन में सिद्धार्थ ग्रे शेड में नजर आएंगे और उन्हें पूरी उम्मीद है कि ऑडियंस उन्हें इस रोल में काफी पसंद करेगी। एमएस एंटरटेनमेंट, मुंबई। हर लव स्टोरी में एक हीरो होता है, एक हीरोइन और एक विलेन। एक फिल्म रिलीज होती है तो दूसरे का प्रमोशन शुरू हो जाता है। आजकल फिल्म एक विलेन का प्रमोशन अपने शबाब पर है। फिल्म की स्टार कास्ट श्रद्धा कपूर और सिद्धार्थ मल्होत्रा ने अपनी फिल्म एक विलेन को प्रमोट करने के लिए टीवी सेट का सहारा लिया। दोनों स्टार पहुंच गए प्यार तूने किया के सेट पर। प्यार तूने क्या किया, आई थिंक अगेन इज वेरी एप्ट विद आवर फिल्म एक विलन। इन ये लोग जो दिखाते हैं ट्रू स्टोरीज दिखाते हैं, जिसमें यू नो एक लड़का या लड़की प्यार के लिए कुछ नेगेटिव करता है जो लोगों को लगता है, पर तब भी जस्टिफाइड है बिकॉज़ ही इज डूइंग इट फॉर लव। सिद्धार्थ ने बताया कि श्रद्धा शो को होस्ट भी कर रही है। इसके अलावा फिल्म में श्रद्धा के रोल की भी सिद्धार्थ ने खूब तारीफ की। सिद्धार्थ के मुताबिक बदलते इस दौर में एक विलेन भी हीरो बन सकता है और शायद यही करने की उन्होंने कोशिश की है। एक विलेन भी जिसकी ये बातें कर रहे हैं अपने शो में, वो भी प्यार में पड़ सकता है। तो आई थिंक इट वाज वेरी एप्ट टू आवर फिल्म एंड टुडे वी आर होस्टिंग वन ऑफ द एपिसोड्स, सो लेट्स सी हाउ इट कम्स आउट। आपको बता दें कि इस फिल्म में सिद्धार्थ का ग्रे और एग्रेसिव रोल है। एनीवेज, प्रमोशन के वक्त हर स्टार ऑडियंस को ये बताने की कोशिश करता रहता है कि ये फिल्म उसकी अब तक की सबसे अच्छी फिल्म है। काफी नई चीजें इस पिक्चर में, हम सब ने ऐसे कभी कैरेक्टर्स नहीं प्ले करे
मैंने नहीं कभी प्ले किया, श्रद्धा ने की पुरानी पिछली पिक्चर में, एकदम अलग कैरेक्टर था. तो आई थिंक और ऊपर से थ्रिल एंगल भी है, देयर इज अ लॉट ऑफ एक्शन एंड देयर इज मोहित सूरी सॉन्ग्स एंड रोमांस. तो आफ्टर अ व्हाइल यू आर सीइंग अ थ्रिलिंग लव स्टोरी. ये जनता है, सब जानती है, और ये भी जानती है कि ये सब प्रमोशन का फंडा है. MS Entertainment, मुंबई. से बॉलीवुड में खत्म रखने वाली पोर्न स्टार सनी लियोनी ने अपनी पहचान तो बना ली, लेकिन राधमी MMS 2 के सॉन्ग बेबी डॉल से उन्होंने कुछ ज्यादा ही पब्लिसिटी पा ली. अब देखिए ये शाही पालकी जिसमें बॉलीवुड एक्ट्रेस सनी लियोनी मौजूद है. जो मैंने देखा बैकस्टेज इज एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल, इट्स सेक्सी, इट्स डिफरेंट. आई फील लाइक अ प्रिंसेस टुडे. आई केम इन ऑन अ पालकी फीलिंग लाइक अ प्रिंसेस, सो सुना आपने. सनी लियोनी ने भी कहा कि वो इस तरह की पालकी में बैठकर अपने आप को प्रिंस जैसा महसूस कर रही हैं. ये पूरा नजारा है रोइश वेयर फैशन शो का, जिसमें सनी के अलावा कोइना मित्रा और वेटरन एक्ट्रेस पूनम ढिल्लन भी दिखी. दिस इज अबाउट माय अभाषा वॉचेस लॉन्च एंड ANM एंटरप्राइजेस इज स्पॉन्सरिंग दिस शो एंड इट्स माय न्यू कलेक्शन लॉन्च व्हिच इज कॉल्ड एज अभाषा एंड इट्स अ पेट रेन क्लोथिंग. इट्स ऑल वेरी इमोशनल क्लोथिंग बिहाइंड इट एंड वी हैव एक्सपेक्टिंग लॉट ऑफ सेलिब्रिटीज ऑन द रनवे एंड we have got good showstoppers, lot of showstoppers are here today and you'll see lot of masala in this show. It will be a vegetarian thali presented in front of you and I'm sure you will like the collection this time. Koina ne is fashion show mein ramp walk bhi kiya. Is event mein maujood audience ne fashion show ke sath sath hot sunny aur koina ki adaon ko dekhkar khoob enjoy kiya aur inhi dono ki maujoodgi ne fashion show ko bhi hit kar diya. MS Entertainment, Mumbai.